अंबेडकर जन मोर्चा के तत्वावधान में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भागीदारी उद्घोष सम्मेलन का आयोजन आरटीओ रोड स्थित एक निजी हॉल में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने बताया कि अंग्रेजों द्वारा देश को छोड़े 75 साल हो गया है, लेकिन अभी भी दलित पिछड़ा समाज को उनका हक नहीं मिल रहा है, जिसको देखते हुए अंबेडकर जन मोर्चा का गठन किया गया है तथा इसके माध्यम से काशीराम के आंदोलन को दोबारा जीवित किया जाएगा। उन्होंने कहा, काशीराम ने ही भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढकर समाज का हक दिलाया, जिससे दलित समाज को उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, 2022 में अंबेडकर जन मोर्चा अपने दम पर आगे की लड़ाई लड़ेगा। इस अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार, प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम, प्रदेश प्रभारी चंद्रिका प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि बसपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे एवं अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दद्दू प्रसाद ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब इस बात को अनुभव करते हैं। बाबा साहब ने कहा, रमा मैं तुम्हारा सारी बातें बताने का काम करेंगे, लेकिन मेरा सभी लोगों से कहना है, बाबा साहब ने एक बात कहा था कि फिक्र मुझे ये नहीं कि इस बीच हमारे बीच आ चुके हैं अंबेडकर जन मोर्चा के हरि नारायण जी, मंडल उपाध्यक्ष अशोक कुमार जी बासगांव। उनके जनमन में आई तो उन्होंने यह कार्यक्रम जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया, क्योंकि याद से हमें चलना है, इनका हाथ मजबूत करना है। हमारे बीच में क्या मंच तक लाने का काम करें सुश्री सीमा गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं अंबेडकर जन मोर्चा की। इनके लिए अपने जो अंबेडकर जन मोर्चा के मुखिया हैं श्री सरवण कुमार नयाल जी, उनसे आग्रह करेंगे कि वो दोनों लोगों का लगा हुआ है, सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिए। ये अखबार वो नहीं है जो हमारे अतिथि और अतिथियों का स्वागत जोरदार होता है, हल्का नहीं होना चाहिए, ताली बजते रहना चाहिए। स्वागत करने का काम करें
भारत से अंग्रेजों को गए हुए 75 साल हो चुके हैं और सरकारें बदलती हैं, पर हमारे दुखों का कारण इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था ज्यों का त्यों खड़ी हुई है। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी के चेलों की कोशिश है कि इस देश में समाज व्यवस्था को बदलने के लिए एक व्यापक जनमत तैयार किया जाए और इसके लिए मान्यवर कांशीराम जी का आंदोलन पुनर्जीवित होना जरूरी है। मान्यवर कांशीराम जी ही भारत की वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए नए नए तरीके खोजे कि निर्धन लोग भी अपने डेलीगेट कैसे संसद और विधानसभाओं में भेज पाने में कामयाब होंगे। तो अंबेडकर मोर्चा, अंबेडकर जन मोर्चा और सामाजिक परिवर्तन मिशन और देश भर में बहुत सारे इस दिशा में सोचने वाले लोगों को एक माला में पिरोने की कोशिश चल रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर और फुले साहू और मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन को पुनर्जीवित किया जाए और जो हमारी आवश्यकता है और इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना की जाए, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम भागीदारी सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया है। और यही हमारी चाहत है कि लोकतंत्र को कामयाब बनाकर इस देश में समता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो। आगामी विधानसभा के चुनाव में अंबेडकर जन मोर्चा और हम लोग पूरी पैनी निगाह रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, पर इसमें जो विपक्ष है उसको एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। अगर विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करता है, श्री अखिलेश यादव और बहन मायावती अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं, तो ये माना जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं और इसलिए भारत देश सामाजिक बदलाव लाने के लिए नई लीडरशिप को तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या आने वाले दिनों में किसी पार्टी का समर्थन करेगा अंबेडकर जन मोर्चा? नहीं, अंबेडकर जन मोर्चा के बारे में भाई साहब और बताएंगे, पर परिस्थिति के अनुसार हम किसी के ना जालिम के गोद में और ना ही बैसाखियों के सहारे, हमें अपने पैरों पर खड़े होकर ही इस देश में सामाजिक बदलाव का रास्ता साफ करना होगा।